हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कल्पना फॉर नीट बायोलॉजी। द टॉपिक आई एम टेकिंग टुडे इज किंगडम फंजाई। विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को अलग से किंगडम में रखा गया है। उससे पहले हम फंजाई भी किंगडम प्लांटिक किंगडम के अंदर ही पढ़ते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल सेपरेट किंगडम है। इसकी फंजाई में खास बात क्या है कि ये यूकैरियोटिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस होगा, ऑर्गेनेल्स होंगे, मेम्ब्रेन्स होंगे, सब जितने भी सेल के पार्ट हैं वो सब होंगे। ये डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से एंड हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक का अपोजिट है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपने आप अपना खाना बनाते हैं, पर हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं फिर देयर फूड, या तो ये डेड ऑर्गेनिज्म पर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल पर डिपेंड करेंगे, या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि यूकैरियोटिक, दूसरा हो गया हेटरोट्रॉफिक। तो ये जो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, फंजाई कैसे हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इनकी जो मॉर्फोलॉजी है ये क्या होती है, बहुत वेरिएबल है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर और ये मल्टी सेलुलर लार्ज मशरूम तक इसमें होते हैं, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज मशरूम्स। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है, और मशरूम जो हम देखते हैं या हम खाते भी हैं वो सब क्या होते हैं, बड़े होते हैं वो। ये इस तरह से इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। और फिर ये क्या है, इनके लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इनके लिए जरूरी है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में फंजाई अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। और ये ज्यादातर क्या करते हैं, ये इसमें एयर में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स एज पैरासाइट। तो ये इनकी हैबिटेट हो गई। और क्योंकि ये वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं, इसीलिए ये जितने भी फंजाई हैं ज़्यादातर ये हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको रॉटिंग हो जाती है इनकी। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है, कूल रहता है, और तो इसलिए ये ग्रो नहीं कर पाते। फंजाई और बैक्टीरिया से बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। अब इनका फॉर्म कैसा होता है, जनरली ये क्या होते हैं, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक होते हैं, जिनको हम हाइफा कहते हैं, और जो नेटवर्क पूरा बन जाता है इनका, ज़्यादातर ये क्या है, लॉन्ग थ्रेड लाइक, ये कहलाता है हाइफा, एक धागे जैसा दिखेगा। लेकिन यदि हम पूरा देखें, जब ये ग्रो करते हैं ब्रेड वगैरह पर हम देखते हैं, तो ये इस तरह से होता है, नेटवर्क होता है इनका पूरा, ये कहलाता है माइसीलियम। एक एक को हाइफा कहेंगे और जो पूरा इनका नेटवर्क है वो माइसीलियम कहलाता है। तो ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक हाइफा है, और ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और विदाउट सेप्टा भी हो सकते हैं। ये तो थे सेप्टेट और ये बिना सेप्टेट, और ये इसमें जो है ये हम फाइकोमाइसिस पढ़ेंगे, वहाँ पर ये पढ़ेंगे। एक एक तो ये कहलाएगा हाइफा, एक प्लूरल हाइफी है, ये कहलाएगा हाइफा। ये हाइफा का ये आया हुआ 2016 में,
फंगस का एक जो फिलामेंट है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइफा, और जो पूरा नेटवर्क हो जाता है उसको हम कहते हैं माइसीलियम। सेल वॉल जो होती है इनकी किसकी बनी होती है, काइटिन की। जब हमने पॉलीसेक्राइड पढ़ा है वहाँ पे हमने काइटिन डिटेल में पढ़ा है उसका स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल जो है काइटिन या और दूसरे पॉलीसेक्राइड्स की हो सकती है, जैसे कि ल्यूकेंस, फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स, इस तरह से ये उनकी सेल वॉल होगी। अब ये जो है ज्यादातर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, या तो डेड सब्सट्रेट से लेंगे, उसमें में हम क्या कहेंगे इनको, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस। हम इनको क्या कहेंगे, इनको सेप्रोफाइट कहेंगे। लेकिन कुछ फंगाई जो है वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, हमारे ह्यूमन बींग में भी रिंग बॉम्स जो है वो फंगाई से ही कॉज होता है। तो ये जो है ये क्या होते हैं, पैरासाइट, पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं, एनिमल्स में भी डिजीज करते हैं। ज़्यादातर तो क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। और जो है कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो ये वहाँ पर डिजीज करते हैं। कुछ जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, जैसे लाइकन का हमने पढ़ा है। तो लाइकन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई होता है, सिम्बायोटिक एल्गी इन लाइकन्स। लाइकन्स में सिम्बायोसिस होती है एल्गी और फंजाई के बीच में। और एक तो ये है लाइकन, दूसरा सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है वो माइकोराइजा कहलाता है। ये फंजाई जो है ये है माइकोराइजा, माइकोराइजा माने राइजा माने रूट्स। तो ये रूट्स जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के साथ में ये रहते हैं। जैसे ये प्लांट ग्रो कर रहा है खासकर ये हिल्स वगैरह पे, तो क्योंकि वहाँ पे ये रॉकी होता है तो इसकी रूट्स ज़्यादा अंदर नहीं जा सकती, वहाँ पे इनके साथ में यहाँ पर क्या रहता है, फंगसाई रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके और प्लांट्स को देते रहते हैं। तो इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, माइकोराइजा, क्योंकि दोनों को ही सिम्बायोटिक है ये, क्योंकि फंगस को भी फायदा है क्योंकि उसको बना बनाया भोजन मिल जाता है प्लांट से, और प्लांट को क्या फ़ायदा है कि मिनरल्स वगैरह ये एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और ये कॉम्बिनेशन कहलाता है माइकोराइजा, ये क्या कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, ये जो है खासकर एब्जॉर्ब मिनरल एब्जॉर्ब करने में, खासकर फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में सॉइल से, और इसका उपयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी किया जाता है। ये नेचर में तो ये करता ही है, कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, उससे ये फॉस्फोरस जो है सॉइल से एब्जॉर्ब कर करके और प्लांट्स को देता जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है ग्रोम्स, ये माइकोराइजा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है,
इस तरह से इनका एसोसिएशन होता है। ये सेप्टोफाइट भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक सिम्बायंट्स भी हो सकते हैं इस तरह से ये। पर मैक्सिमम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर ये सेप्टोफाइट्स होते हैं। यहाँ भी कोई भी फ्रूट वेजिटेबल या कुछ भी सड़ता है तो वहाँ पर ये फंजाई ही होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं पर ज़्यादातर फंजाई होते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये फंजाई अपने को। ये रिप्रोडक्शन के लिए इसमें तीन मेथड होते हैं। पहला वेजिटेटिव, इसमें कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह नहीं बनते, ये जो पार्ट है वही जो है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर एसेक्चुअल है, एसेक्चुअल मेथड, ये किसके द्वारा होता है, स्पोर्ट्स से। और तीसरा है ये मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में ये क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये एक हाइफा है और ये टूट गया इतने में, तो ये तीनों पार्ट क्या करेंगे, नई हाइफा को प्रोड्यूस कर देंगे। तो इस तरह से जहाँ से भी टूट जाएगा उतने ही पार्ट में नया पौधा, नया प्लांट या नया फंगस बन जाता है। फिर दूसरा इसका मेथड है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, ये मान लो एक सेल है तो ये क्या हो जाएगी, पहले इसका न्यूक्लियस दो में बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर ये सेल दो में डिवाइड हो जाएगी, तो इस तरह से ये दो सेल बन गए, ये होता है बाइनरी फ्यूजन। और यदि ये न्यूक्लियस कई में डिवाइड हो गया कई डिवीजन से और फिर इसमें ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन इस तरह से हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कई सारे बहुत सारे सेल्स बनाएगा, तो ये दो बनाएगा तब ये कहलाता है बाइनरी फ्यूजन, और यदि बहुत सारे बनाएगा तो ये कहलाएगा मल्टीपल फ्यूजन। तो ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। इसमें बाइनरी फ्यूजन में क्या बनाएगा, दो सेल्स बनाएगा एक से, और मल्टीपल में क्या बनाएगा, मैनी मैनी सेल्स। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक तो स्पोर्ट्स जो है वो कहलाते हैं कोनिडिया, ये अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, कोनिडिया स्पोर्ट्स से होते हैं, या ये स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया होते हैं ज़्यादातर फाइकोमर्सिटीज एस्कोमर्सिटीज में, स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं स्पोर्ट्स होते हैं ये फाइकोमर्सिटीज में। और जूस्पोर्स किसको कहते हैं, जिसमें फ्लैजिला होते हैं, जूस्पोर हमेशा क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, कैसे भी होंगे स्पोर्स उसमें क्या रहेगा, फ्लैजिला रहेगा, जो मोटाइल होते हैं जो चल घूम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वो कहलाते हैं जूस्पोर। तो ये तीन तरह के ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। और सेक्सुअल स्पोर्स सेक्सुअल मेथड में फिर जूस्पोर्स बन सकते हैं, ये फाइकोमाइसिटीज में पढ़ेंगे, या एस्कोस्पोर्स बन सकते हैं, ये हम एस्कोमाइसिटीज में पढ़ेंगे, या डिसीडियोस्पोर्स बन सकते हैं, ये हम डिसीडियोमाइसिटीज में पढ़ेंगे। तो ये तीन तरह के सेक्सुअल स्पोर्स हैं, अलग अलग के क्लासेस हैं फंजाई की, उसमें अलग अलग तरह के स्पोर्स ये होते हैं। और ये स्पोर्स जो बनते हैं वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक क्लास पढ़ेंगे उसमें दूसरी तरह से इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती है, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो वो ये स्पोरेंजिया भी हो सकती हैं, वो ऐसा एस्कस भी हो सकता है, वो बेसिडियो भी हो सकते हैं, तो ये सब फ्रूटिंग बॉडीज हैं जिसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इनकी सेल साइकिल है उसमें तीन स्टेप्स होते हैं मेन। पहले क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा था सब में क्या होता था कि फर्टिलाइजेशन हुआ और न्यूक्लियस दोनों का मिल गया, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो गए, न्यूक्लियस मिल गया। लेकिन यहाँ पर नहीं होता ऐसा, खासकर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है कि पहले तो क्या फ्यूज होंगे, पहले फ्यूज होंगे प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होंगे, न्यूक्लियाई नहीं फ्यूज होंगे, गैमेट्स तो मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल जैसे भी होंगे, लेकिन पहले क्या होगा, फ्यूजन ऑफ
प्रोटोप्लास्ट। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोग्लैमा। जैसे एक ये है, दोनों मोटाइल हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं, एक बड़ा हो सकता है, छोटा, जैसे भी हैं, गैमेट्स हैं। और जब ये फ्यूज होते हैं तो क्या होगा, पहले इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज हुआ, पहले ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, अभी न्यूक्लियस न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज नहीं हुए हैं, केवल प्रोटोप्लाज्म हुआ है, इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद फंजाई में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का फ्यूजन जो है वो कहलाता है कैरियोगैमी। जैसे ये था, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये फ्यूज हो गया, और ये दो न्यूक्लियस भी क्या हो गए, फ्यूज हो गए, क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ये है कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा वो कैरियोगैमी होगा। अब ये कैसा होगा, ये जो जाइगोट बनेगा ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो इसलिए अब इसमें आगे क्या होगा, इसमें आगे चल के मियोसिस होगा, इसमें जाइगोट, ये जाइगोट है, जाइगोट में होगा, और क्या बनाएंगे ये हैप्लॉयड स्पोर, जो कि फिर जर्मिनेट करके नया हाइफा या माइसीलियम बना देंगे। तो ये तीन फेजेस हैं, पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी, फिर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ये कैरियोगैमी, और उसके बाद मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर से। अब खासकर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में इसमें बहुत देर होती है, माने ये दोनों, ये प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है लेकिन न्यूक्लियाई जल्दी फ्यूज नहीं होते, उसके बीच में गैप होता है, ये स्टेज कहलाती है डाइकाइनेसिस। ये स्टेज जो है डाइकैरियोटिक स्टेज है, जो कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसके बाद ये तुरंत नहीं होता, बाकी और में तो हमने देखा था प्रोटोप्लाज्म डिफ्यूज हुआ, न्यूक्लियाई डिफ्यूज हो गई, पर ये जो गैप है ना प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में, तो ये क्या होती है कि ये न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, बल्कि ये क्या करेंगे, ये वाली स्टेज बने रहेंगे, यहाँ तक कि हाइफा में भी यही होता है, हाइफा में भी ऐसे ही हो जाता है। ये मान लीजिए एक हाइफा है, तो इसमें क्या हो गया, ये एक न्यूक्लियस एक है और ये फ्यूजन हुआ था और उससे क्या बन गया, ये स्टेज बन गई, एक न्यूक्लियस एक का और एक न्यूक्लियस दूसरे का, अभी ये फ्यूज नहीं हुई, इसी तरह से रहेगा, मतलब इसके और इसके बीच में गैप रहता है, और ये जो है इससे ये जो स्टेज बनती है इसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज। ये है डाइकैरियोटिक स्टेज, इसमें प्रॉयडी क्या होगी, एंड प्रेजेंट, क्योंकि अभी न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं है, जब न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे तब तो टू एन हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी, अभी हैप्लॉयड भी नहीं है, अभी क्या है एंड प्लस एन, ये जो है डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें खासकर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में तो बहुत देर तक रहती है डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज, और ये उसके बाद फिर ये फ्यूजन होता है और फिर रिडक्शन डिवीजन होता है। तो ये सब जो रिडक्शन डिवीजन इसके अंदर होगा, ये होगा, ये किस में होता है, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी क्या थे, जिसमें कि स्पोर्स बन रहे थे, तो इस ये डाइकैरियोटिक के बाद फ्यूजन होगा और फिर ये रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन हमेशा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होगा, और क्या बनेंगे,
स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स हमेशा फ्रूटिंग बॉडी, हर एक अलग अलग क्लास में फ्रूटिंग बॉडी को अलग अलग नाम दिया गया, जैसे एस्कोमासिटीज में, बेसिडियोमासिटीज में या फाइकोमासिटीज में, सब में अलग अलग नाम है। अब हम इनको ये देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। फंजाई जो किंगडम है उसको चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन द मॉर्फोलॉजी। मतलब हाइफा जो है उसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग तरह की होगी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह से स्पोर बन रहे हैं, और फ्रूटिंग बॉडी एंड फ्रूटिंग बॉडी क्या है जिसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, ये भी सब में क्या अलग अलग, इनके इस पर डिपेंड करते थे। डिपेंडिंग ऑन द मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी है, हम फंजाई को क्या करते हैं कि ये फोर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फंजाई किंगडम, फंजाई जो है जितनी भी फंजाई, इनको चार क्लासेस में रख सकते हैं। सबसे पहला तो है जो क्लास, उसको कहते हैं हम फाइकोमाइसिटीज। ये जो है इनको एल्गल फंजाई भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्लास हो गया फाइकोमाइसिटीज, ये कहलाते हैं एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये एल्गी से रिजम अपीयरेंस में एल्गी जैसे होते हैं, मतलब फिलामेंटस और ब्रांच इस तरह से, जैसे एल्गी होती है उसी तरह से ये इस तरह से ब्रांच, और ये जैसे एल्गी का होता है उसी तरह से ये होता है, तो ये एल्गल फंजाई इसीलिए कहलाते हैं। और ये मिलते कहाँ कहाँ हैं, ज़्यादातर हमने सब्जी रखी वो क्या हो गई, सड़ गई, उसमें रॉटिंग हो गई, वो ज़्यादातर फाइकोमाइसिटीज होते हैं। या फल हमने रखे हैं जो ऑरेंज वगैरह, उसमें लग गए, वो क्या है, फाइकोमाइसिटीज। तो ये एक्वाटिक हैबिटेट, यदि गीला बिल्कुल सूखा होगा तो फंजाई नहीं लगेगी। तो कोई भी खाने की चीज़ है, सब्जी फल वगैरह, यदि थोड़ा सा भी उसमें मॉइस्चर है तो उसमें फंजाई लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट में मिलते हैं, और डिकेइंग वुड, लकड़ी वगैरह बरसात में पड़ी रह जाती है बाहर, उसमें लग जाती है ये, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस। फिर ये कुछ ओब्लिगेट पैरासाइट भी हैं। पैरासाइट माने क्या होता है, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन और रहने की जगह ले, तो ये होते हैं पैरासाइट। और ऑब्लिगेट क्या होते हैं, पैरासाइट दो तरह के होंगे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, जो केवल पैरासाइट की तरह से ही रह सकते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर वो पैरासाइट है, नहीं तो वो सेप्रोफाइट है। पर ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होंगे, वो एज पैरासाइट ही रहेंगे, वो सेप्रोफाइट की तरह काम कभी भी नहीं करेंगे। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ऑन प्लांट्स। बहुत सारी प्लांट्स की डिजीजेस हैं, जो मस्टर्ड में वाइट रस्ट होता है वो भी फाइकोमाइसिटीज फंगस के कारण ही होता है, इस तरह से ये होता है। अब तीसरी चीज़ की इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, माइसीलियम। जो और क्लासेस हैं उसके माइसीलियम और इसके माइसीलियम में अंतर होता है, क्योंकि ये क्या होता है, जो हाइफा होता है वो क्या होता है, एसेप्टेट होता है, मतलब इसके बीच में सेप्टा नहीं होगा, इस तरह से ये है, यहाँ पे बीच में सेल्स डिवाइड नहीं है, और इसमें न्यूक्लियस और जो रिजर्व फूड वगैरह है सब यहीं होगा, तो इसलिए मल्टी न्यूक्लियट हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक माने क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लियट। इनके लिए टर्म यूज होता है सिनोसिटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये डिफ्रेंशिएट करता है फाइकोमासिटिस को दूसरे क्लासेस से। तो इसमें क्या है, सिनोसेटिक कंडीशन है, माने सेप्टा नहीं है, और साइटोप्लाज्म जो है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मतलब मल्टी न्यूक्लियट होंगे। ये जो है ये क्या है, बहुत सारी न्यूक्लियाई, एक एक सेल अलग अलग नहीं। सबसे तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई जो फाइकोमाइसिटीज को एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज से डिफ्रेंशिएट करती है कि यहाँ पर सिनोसिटिक माइसिटिया होता है। फिर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मोटाइल या नॉन मोटाइल स्पोर्स से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल। जब भी मोटाइल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, जूस स्पोर्स, मोटाइल और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब उनमें फैजिला नहीं होंगे, उस समय हम इनको क्या कहेंगे, ए फ्लेनोस। ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये जर्मिनेट होते हैं और नया माइसीलियम बनाते हैं। और ये हमेशा कैसे बनेंगे, एंडोजीनस। एंडोजीनस माने जो भी स्ट्रक्चर पे ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, बाहर नहीं होंगे। तो एंडोजीनसली ये प्रोड्यूस होंगे, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये माइसीलियम है, इसमें क्या होगा कि इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना, इसके ऊपर यहाँ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, ये बन गया स्पोरेंजिया। और ये फिर इसका जो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके और न्यूक्लियस लेके ये क्या बन जाएंगे, इसके अंदर स्पोर्स, और फिर ये फटेगा, स्पोरेंजिया फट जाएगी। और फटने के बाद क्या होगा, ये स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। तो ये कहाँ बने, ये क्या है, स्पोरेंजिया। ये एक हाइफा है, उस पर ये बने, और ये हो गए स्पोरेंजियोस्पोर्स। किसके अंदर बने, स्पोरेंजियम के अंदर, साइटोप्लाज्म अंदर जो है वो उसमें बहुत सारे ये स्पोर्स बना देता है। थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिया ये इकट्ठे होके एक एक स्पोर बनाते हैं, और फिर जब ये फटता है तब ये बाहर निकलते हैं। या ये इस तरह से हो सकते हैं, या ये क्या हो सकते हैं, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएंगे, जूस स्पोर्स। तो ये मोटाइल होंगे और ये नॉन मोटाइल, किसी भी तरह के बन सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग है। तो मोटाइल स्पोर्ट्स हैं, जूस स्पोर्ट्स हैं, और ये एप्लेनो स्पोर्ट्स हैं। कैसे बन रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर, मतलब ये एंडो जीनसली बन रहे हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय ये होता है जाइगोस। दो गैमिट्स एक जैसे भी हो सकते हैं, यदि बिल्कुल एक जैसे होंगे उनको हम आइसोगैमिट्स कहेंगे, अलग अलग साइज के होंगे वो कहलाएंगे एनाइसोगैमस, और यदि बिहेवियर में भी अलग अलग हैं तो वो ओगैमस। जैसे एक ये है, एक हाइफा था, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर निकला और इसने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक गैमिट। ऐसे ही दूसरा भी आया, उसका भी क्या बन गया, ये थोड़ा सा टिकल यहाँ पे सेप्टा बन गया, ये क्या बन गया, गैमिट बन गया। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, ये पास पास आएंगे, कॉन्टैक्ट आएगा इनमें, अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पर ये फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज हो जाने के बाद
ये बन गया जाइगोस। इसके अंदर जो फिर वैसे ही स्पोर्स बन जाएंगे और फिर ये फटेगा तो ये स्पोर्स बाहर निकल के आएंगे और फिर जर्मिनेट करेंगे। ये जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये है आइसोगेमस। यदि एक बड़ा एक छोटा होगा तो वो एनाइसोगेमस, और यदि एक दोनों बिहेवियर में अंतर है, मतलब एक तो ये जैसे ये बना गैमेट और दूसरा जो हुआ वो एक हाइब्रिड पे ये है और एक हाइब्रिड पे ये है। अब क्या हो रहा है, इसके न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म इसमें जा रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसमें केवल इसी का जाएगा। तो हम इसको मेल कहेंगे, इसको फीमेल कहेंगे। ये कहलाएगा एंथ्रीडियम, और ये कहलाएगा ओगोगेमस। तो ये कैसा होगा, ओगोगेमस। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो सकता है वो आइसोगेमस। आइसोगेमस मतलब दोनों गैमेट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। एनाइसोगेमस माने वैसे तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है। और ओगोगेमस, ओगोगेमस का मतलब हो गया कि उनका बिहेवियर जो है, जैसे यहाँ पर ये मेल की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसमें जा रहा है, यहाँ यहाँ पर जाइगोट बनेगा, तो दोनों का बिहेवियर भी क्या हो गया, अलग हो गया, ये कहलाएगा ओगोगेमस। तो इसमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगोगेमस हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या है, म्यूकर, म्यूकर है, फिर राइजोपस है, ये जो है ये ब्रेड मोल्ड है। यदि ब्रेड को हम थोड़ा गीला पानी, मॉइस्चर रह जाता है उसमें, उसको रखें तो उस पर ये मोल्ड लग जाता है, जो ये कहलाता है राइजोपस। इसमें ये इस तरह का दिखता है, इसमें बीच बीच में इस पूरे एंडिया दिखेंगे, माइसीलियम है ये, और इसमें तो इस तरह से ये टफ्ट में ये इस पूरे एंडिया बीच बीच में दिखाई देंगे। फिर इसमें है एक एल्ब्यूगो, ये पैरासिटिक है, और मस्टर्ड में ये वाइट रस्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, ये जो लीफ होती है मस्टर्ड की, सरसों की, उसमें ये वाइट वाइट से स्पॉट्स हो जाते हैं। वाइट रस्ट क्या होता है, रस्ट ऑफ मस्टर्ड, ये किससे होता है, एल्ब्यूगो से होता है। इस तरह के वाइट वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो ये हो गया फाइकोमाइसिटिस, पहला क्लास हो गया फंजाई का, वो है फाइकोमाइसिटिस। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हुई कि माइसिजम जो है इसका सिनोसिटिक होता है, और जो है रिप्रोडक्शन को स्पोर्ट्स और एसेक्चुअल और सेक्चुअल मेथड से होते हैं। दूसरा जो आता है वो होता है एस्कोमाइसिटिस, दूसरा क्लास फंजाई का है एस्कोमाइसिटिस। इनको हम सेक फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको हम एस्कस कहते हैं, और ये इसलिए ही कहलाते हैं सेक फंजाई। इसमें यूनिसेलुलर होते हैं, ईस्ट, ईस्ट जो है वो कैसा है, ईस्ट का नाम है सेकेरोमाइसिन, ये जो है ये क्या है, यूनिसेलुलर। लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ज्यादातर एस्कोमाइसिटिस जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम जो है ये प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन होती है वो पेनिसिलियम से
निकलती है और ये एस्कोमाइसिटीज का है। अब इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है या बिहेवियर इनका क्या है, ज़्यादातर क्या है, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब हो गया कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर से अपना वो फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। डिकम्पोजर्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देते हैं, उससे ये अपने भोजन लेते हैं। पैरासिटिक हैं कुछ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे फूड के लिए, या क्या हो सकते हैं कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस में माने हो गया कि ये डंग गोबर वगैरह पे या ह्यूमन डंग पे ये ग्रो करते हैं। फिर ये डिफरेंस इसका फाइकोमाइसिटी से क्या हुआ कि इसमें जो माइसीलियम है वो क्या है, ब्रांच्ड और सेप्टेड। ये डिफरेंस है फाइकोमाइसिटीज, यहाँ पर ये सेप्टल्स में होते हैं, ये डिफरेंस हो गया फाइकोमाइसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें ये कोनिडियस होता है, स्पोर्ट्स होते हैं जो वो कहलाते हैं कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स ये जो है कोनिडिया होते हैं। प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, हमने फाइकोमाइसिटीज में पढ़ा जो स्पोर्स बन रहे थे स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे थे, ये कहाँ बन रहे हैं, बाहर बनेंगे प्रोटीन बॉडी में बाहर बनेंगे, इसलिए ये कैसे हैं एक्सोजीनस हैं ऑन स्पेशल माइसीलियम, उनको कहते हैं कोनिडियोफोर। और ये कोनिडिया जो है ये फिर जर्मिनेशन अलग हो जाते हैं और जनरेट करके फिर नया माइसीलियम बना देते हैं। ये जैसे एक माइसीलियम है, इसमें स्पेशल ब्रांचेस निकल आती हैं ये, और इसके ऊपर यहाँ पर फिर क्या होता है, इस तरह से थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिया ये प्रोटूबरेंस की तरह निकलेगा और क्या बना देगा, एक कोनिडिया बना देगा, फिर वो उसमें फिर बडिंग होगी, फिर दूसरा कोनिडिया, इस तरह से ये कोनिडिया कोनिडिया बना देते हैं बहुत सारे। यदि हम इसमें देखें खास कर ये एस्परजिलस इसका हो तो उसमें इस तरह से कोनिडिया दिखाई देते बहुत पास पास होते हैं। बिल्कुल पूरा भरा हुआ दिखाई देगा कोनिडिया इस तरह से, ये एस्परजिलस है तब तक ये कोनिडिया बनते हैं। और ये जो चीज़ है ये ग्राम जो है ये क्या करा रही है, वीडियो और ये जो है ये क्या है कोनिडिया, सिमिलर कोनिडियम है और प्लूरल जो है वो कोनिडिया। कैसे बने हैं एक्सोजीनस, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आया हुआ 2019 में। कोनिडिया कैसे बने, बाहर अंदर नहीं बने, इसके यहाँ पर नहीं बने, यहाँ पर नहीं बने बल्कि बाहर की साइड बने। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बंद होते हैं, उसको होता है एस्कोस्पोर्स, इसीलिए इसका नाम एस्कोमाइसिटीज है, एस्कस के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो क्या है, एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं सैटेलाइट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं SI, एस्कोस्पोर्स इन एस्कस।
कैसे बनेंगे? एंडोजीनस, अंदर बनेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुनिडिया बने कहाँ? एक्सोजीनस, और एस्कोस्पोर्स कहाँ बनेंगे? अंदर बनेंगे। और फिर ये जो एस्कस हैं, प्लूरल इसका एसआई होता है, तो ये एस्कस जो है, ये एसआई जो है, ये फ्लूटिंग बॉडी बनते हैं जिनको हम कहते हैं एस्को का। तो ये एस्कोस्पोर्स हो गए एस्कस में, और ये हो गए इन एस्को का। एस्कस की वजह से इनको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये तो हो गया फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, ये हो गया मेल गोनियम और एंथीडियम हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसमें फ्यूजन होगा जहाँ पर ये मिल रहा है, लेकिन न्यूक्लियाई तुरंत फ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या रहेगा, इसके न्यूक्लियाई इसमें चले गए, साइटोप्लाज्म में चले गए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इसके हम न्यूक्लियाई को इससे दिखा देते हैं। तो इसमें कुछ न्यूक्लियाई तो क्या होंगे, ये स्ट्रक्चर हो गया डाइकेरियम। न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं हुआ है। उसके बाद जो ये क्या करता है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसमें ये स्पेशल ब्रांचेस ही निकल आती हैं। ये कहलाती है एस्पोजीनस हाइफ। इसमें क्या होता है, एक एक एस्कोजीनस हाइफी को यदि हम लेते हैं, तो इसमें ये इस तरह से हो जाता है, ये सेल डिवाइड करके, ये डिवाइड करके, और ये वाली सेल मान लीजिए है इसका में, ये तो एक इसका न्यूक्लियस है, और ये तो क्या हो गया, डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक सेल है, ये कट जाती है और बाकी सेल से, और ये कहलाती है एस्कस मदर सेल। ये एक एक एस्कोजीनस हाइफी के अंदर हो रहा है, ये कहलाएगी एस्कस, ये एक एक है, अभी ये दो है डाइकैरियोटिक है। उसके बाद ये फ्यूज हो जाएगा इस तरह से, ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा फिर, और ये न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, डाइगोट बन गया, और उसके बाद फिर ये इसमें, क्योंकि डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड है, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, और उससे क्या बनेंगे, दो न्यूक्लियस, खाली इतना पोर्शन हम ले रहे हैं, उससे क्या बन गए, दो न्यूक्लियाई बन। फिर उसके बाद फिर पूरा मियोसिस पूरी होगी तो क्या बन गए, चार न्यूक्लियाई, पहले दो और फिर ये रिडक्शन डिवीजन फर्स्ट है, और रिडक्शन डिवीजन सेकेंड कंप्लीट होते होते एक एक एस्कस के अंदर चार चार ये न्यूक्लियाई बढ़ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इनके आगे लगता है, और फिर ये डिवाइड करते हैं, और अंत में क्या होता है, एक एक एस्कस के अंदर क्या बन गए, एस्कोस्पोर्स। ये क्या है, एस्कस। इस तरह से ये आठ एस्कोस्पोर बन जाते हैं, और फिर ये एस्कस फटता है, तब ये एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं, और ये रिलीज होके फिर जनरेट करके नया प्लांट बनाते हैं। अब ये एस्कस जो है, एसआई जो है, ये क्या रहते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, किसी किसी में तो ये कप शेप रहते हैं, ये हो सकता है कि ये माइसिलियम जो है ये कप शेप स्ट्रक्चर बना दे इस तरह से, और फिर यहाँ पर ये एसआई या एस्कस जो है वो अरेंज रहता है, या किसी किसी में बिल्कुल गोल हो जाता है, बहुत जरा सा छेद रह जाता है, और इसके अंदर क्या होंगे,
एस्कस में, और उसके अंदर एस्कस पोर्स होंगे, या ये बिल्कुल प्लेट लाइक हो सकते हैं, और यहाँ पर क्या है एस्कस है, और एस्कस के अंदर जो है वो रेट में आठ आठ जो है एस्कस पोर्स है। तो ये है एस्कोकार्प, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है प्रोटीन बॉडी है, ये कहलाता है एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प के अंदर एस्कस एसआई, एसआई के अंदर एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स कैसे बने, ये जब डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना उसमें डाइकैरियोटिक एस्कस बना, और उसके बाद फिर ये बन जाता है। तो इस तरह से ये एस्कस बनने की वजह से ही क्या कहलाते हैं एस्कोमाइसीटिस कहलाते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एस्कोस्पोर्स से होगा, जो कैसे बने हैं एंडोजीनस एस्कस के अंदर बने हैं, उसके न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। अब इस एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल हैं, इसमें पहला तो ईस्ट है, सेकेरोमाइसिस। इसकी अलग अलग स्पीसीज हैं, ये बेकिंग में यूज होता है, ब्रेड बनाने में काम में आता है, और इसी की जो स्पीसीज है सेकेरोमाइसिस सिरेवेसी, ये जो है ये इथेनॉल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, सेकेरोमाइसिस सिरेवेसी, वैसे ये बेकर सीस्ट होता है इसमें, और ये जो स्पीसीज है इससे ये बियर बनाने का आता है, इथेनॉल बनता है। फिर इसके बाद एक है एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर, ये जो है साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। फिर है क्लेविसेप्स परपुरिया, क्लेविसेप्स है, ये बहुत सारे एल्कलॉइड्स इससे मिलते हैं, और ये सर्जिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स एलएसडी ड्रग जो है ये इससे क्लेविसेप्स परपुरिया से मिलता है, ये सोर्स है क्लेविसेप्स का। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट फंगस है इसका यूरोस्पोरा, ये जेनेटिक स्टडीज में और बायोकेमिकल स्टडीज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं यूरोस्पोरा, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करता है और इसको प्रोपोगेट करना भी आसान होता है, और इसमें लेबोरेटरी में हम इसको आसानी से ग्रो करा सकते हैं, इसलिए ये बायोकेमिकल जहाँ भी आप बायोकेमिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर यूरोस्पोरा का नाम जरूर आएगा, या जेनेटिकल जैसे एनिमल्स के केस में ड्रोसोफिला हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हम प्लांट्स के केस में यूरोस्पोरा यूज करते हैं, ये जेनेटिक वर्क के लिए काम आता है, यूरोस्पोरा जरूर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है ये मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि क्या होते हैं एडिबल ही नहीं बल्कि इनको डेलिकेसीज माना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे प्रिपरेशंस बनती हैं, एडिबल होते हैं और डेलिकेसीज होते हैं। ये है 2019, ये सब एस्कोमाइसिटीज थे, सेक फंजाई लिया। तो पहला हो गया फाइकोमाइसिटीज, जिसका मेन करेक्टरिस्टिक क्या था पहचानने के लिए कि वो सीनोसेटिक थे, ए सेपरेट थे। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज जिसमें क्या बनता है एस्कस बनते हैं, और फिर तीसरा है डिसिडियोमाइसिटीज।
एमजीआई का तीसरा क्लास है रेसिडियो माइसिटीज, और इसमें जो है बहुत सारे कॉमन फॉर्म्स आते हैं जैसे कि मशरूम्स हम खाते भी हैं, और मशरूम्स हैं ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं इसको। मशरूम्स किसमें आते हैं? रेसिडियो माइसिटीज। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं? सॉइल में मिट्टी होगी वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं, लकड़ी वगैरह में आपने देखा होगा मशरूम लगे हुए, वो एडिबल नहीं होते, वो भी ग्रो करते हैं। फिर ट्री स्टम्प्स, प्लांट बॉडीज, वहां पर ये रस्ट और स्मट्स के लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिजीजेस हैं प्लांट्स की, वीट का पार्ली वगैरह की, रस्ट एंड स्मट्स इसके हैं ये डेसिडियो माइसिटीज के। इसमें माइसिटियम क्या होता है? ब्रांच और सेपरेट होता है, यहाँ पर ये डिफरेंस होगा पाइकोमाइसिटीज का और सिमिलरिटी होगी एस्कोमाइसिटीज से। माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेट सिमिलर टू एस्कोमाइसिटीज। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? यहाँ से भी टूट जाएगा फिलामेंट, ये है फिलामेंट, यहाँ जब टूट गया तो ये तीनों पार्ट क्या होंगे? ये तीनों पार्ट जो होंगे वो अलग अलग माइसीलियम बना देंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फिलामेंटस फॉर्म्स हैं, तो फिलामेंटस फॉर्म्स में फ्रेगमेंटेशन होने से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पड़ जाता है। इसमें ए सेक्चुअल स्पोर्स नहीं बनते जनरली, नो ए सेक्चुअल स्पोर्स, केवल क्या होंगे? सेक्चुअल स्पोर्स होंगे, और सेक्चुअल स्पोर्स भी माइसिलियम में ही बनेंगे, नहीं उनके लिए स्पेशल कोई ऑर्गन्स नहीं होते, तो सेक्स ऑर्गन्स होता है। दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, डिफरेंट स्ट्रेंथ का मतलब दोनों का प्रोडक्शन एक ही माइसिलियम से नहीं होना चाहिए, एक एक ये हो गया माइसिलियम और दूसरा दोनों अलग अलग स्ट्रेंथ का है, प्लस माइनस हम शो कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका पेरेंट दूसरा है, इसका पेरेंट दूसरा, दोनों एक ही माइसिलियम से नहीं बने हैं। इस तरह के यदि पास में आते हैं डिफरेंट स्ट्रेंस के, तो ये क्या होते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होके फिर ये क्या बनाएंगे? ये प्लाज्मोगेमी होगी इनमें, एक का ये है और एक का न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस ये था, इसका न्यूक्लियस ये था, तो ये क्या हो गई? प्लाज्मोगेमी। कंडीशन क्या बन गई? ये डाइकैरियोन, डाइकैरियोन कंडीशन बेसिडियोमाइसिटीज में बहुत प्रोमिनेंट होती है, बहुत स्पोर्स भी बनते हैं उसमें भी, ये डाइकैरियोन कंडीशन बनी रहती है, पर आपको इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, पर ये डाइकैरियोन कंडीशन यहाँ होती है। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं रेसिडियम, और इनके ऊपर फिर जो है ये इसमें ये क्या होगा? ये बन रहा है रेसिडियम।
इसीलिए इनको बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं। अब ये बेसिडियोमाइसिटीज जो बन जाएगा, इसके अंदर क्या हुआ, कैरियोगेमी न्यूक्लिया ये फ्यूज हुए, और फ्यूज होके क्या बन गया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया इसका मतलब क्या हो गया, उसमें अब रिडक्शन डिवीजन होगा, इसमें अब रिडक्शन डिवीजन होगा, और ये क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस जो है चार में बटे, पहले रिडक्शन डिवीजन वन, उससे दो न्यूक्लियाई, फिर दो से चार न्यूक्लियाई बनेंगे, और ये फिर जो है ये अलग अलग स्पोर्स बनाएंगे, हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बनके, और ये था मेसेंजियम। इससे ये बनने में क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, पहले कैरियोगेमी हुआ, कैरियोगेमी के बाद रिडक्शन डिवीजन हुआ, उससे चार स्पोर्ट्स बन गए, ये स्पोर्ट्स क्या कहलाते हैं, रेसिडियो स्पोर्ट्स। कैसे बने हैं ये, एक्सोजीनियस बाहर बने, अंदर नहीं, यहाँ नहीं बने, कहाँ बने हैं, बाहर बने हैं, ये बने एक्सोजीनियस। तो बेसिडियो स्पोर्ट्स कैसे बने, एक्सोजीनियस। फाइकोमाइसिटीज में जो स्पोर्ट्स बने थे स्पोरेंजिया के अंदर, वो एंडोजीनियसली बने थे, कुनिडिया एक्सोजीनियसली बने, और एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली बने थे, और बेसिडियो स्पोर्ट्स एक्सोजीनियस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये जो बेसिडियम है, ये अरेंज रहते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, जैसे कि एस्कस को हमने देखा था वो एस्कोकार्प के अंदर थे, ऐसे ये भी बेसिडियम जो है वो के अंदर रहते हैं फ्रूटिंग बॉडी को, जैसे कि हमने देखा है मशरूम्स वगैरह में, ये जो है यहाँ पर इस जगह पर ये बेसिडियम जो है वो अरेंज रहते हैं। गिल्स लाइक होते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर जो है फिर ये बेसिडियम ये यहाँ पर अरेंज रहते हैं, और इस पे क्या होते हैं, बेसिडियो स्पोर्ट्स होते हैं एक्सोजीनियसली, और फिर क्या होगा, जब ये अलग होंगे इस पे से निकलते हैं, तब ये जर्मिनेट करते हैं और नया माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है ये एगेरिकस का है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें यहाँ पर बेसिडियम है, बेसिडियम के ऊपर क्या है, बेसिडियो स्पोर्ट्स है, बेसिडियो स्पोर्ट्स जो है वो फिर अलग होके और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, नया माइसीलियम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हवा में सब स्पोर्स जो है इसके पंजाई के ज़्यादातर तैरते रहते हैं, और जहाँ सूटेबल कंडीशन मिलती है वहीं पर ये जाके ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं। एग्जांपल में इसका एक तो एगेरिकस है, ये मशरूम, फिर है एस्टिलेगो, ये प्रोड्यूस करता है स्मट्स, स्मट डिजीज जो है वीट वगैरह में, ये एस्टिलेगो करता है। फिर बहुत इम्पोर्टेंट है पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, ये जो है रस्ट करता है, रस्ट फंगस है जो कि वीट बार्ली वगैरह में ब्लैक रस्ट, वाइट रस्ट, इस तरह के रस्ट के रस्ट प्रोड्यूस करता है बीमारी। इसमें जो ग्रेन होता है, वीट का ग्रेन है, उसकी जगह पर पूरा क्या होगा, फंगस फंगस के स्पोर्स ही बन जाते हैं, तो वीट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत सीवियर डिजीज है ये रस्ट ऑफ वीट, और ये होता है पक्सीनिया से, ये पक्सीनिया स्पीसीज नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत
इकोनॉमिकली ये इम्पॉर्टेंट डिजीज है वीट की, और जितनी अनाजों की है ये ग्रेन्स की डिजीज है, वीट में बाली में इस तरह के लिए रस्ट, रस्ट ऑफ वीट। फिर आता है चौथा हमारा आ जाता है ड्यूट्रोमाइसिटिस, ये फोर्थ क्लास है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। इनको कहते हैं हम इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई में कौन आएगा? ये ड्यूट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई। इनको इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसको परफेक्ट स्टेज कहते हैं। इन फंजाई में सेक्सुअल स्टेज नहीं मालूम होती है, केवल ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए कैसे फंगस हैं इम्परफेक्ट हैं, इनमें सेक्सुअल जो है वो फेज नहीं होती है, या तो होती नहीं या हमें मालूम। मान लीजिए कोई फंगस मिला वो उसका हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मालूम है, उसमें होता है कि नहीं होता है, एसेक्सुअल हमें मालूम है, तो उसको हम किस में रख देंगे? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। और फिर आगे चल के कभी रिसर्च हुई और उसी फंगस का मान लीजिए पता चल गया कि हाँ ये रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली इस तरह से, तो फिर यदि वो एस्कोस्पोर्स से कर रहा होगा तो हम उसको एस्कोमाइसिटीज में रख देंगे, यदि बेसिडियोस्पोर्स बना के कर रहा होगा तो उसको हम बेसिडियोमाइसिटीज में रख देंगे, तो उसको फिर उसमें रख दिया जाता है। पर जब तक ये सेक्सुअली पता है तब तक उसको हम इसको इसी में रखते हैं, और फिर जब हमें सेक्सुअल से मिल जाती है तब हम एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में पुट कर देते हैं। माइसीलियम यहाँ पर क्या है? सेप्टेट और ब्रांच है, ये हो गया एस्कोमाइसिटीज और पेसिडियोमाइसिटीज की तरह, और फाइकोमाइसिटीज से डिफरेंस हो गया। और फिर क्या होता है, ज्यादातर ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं मोस्टली, ये जो सड़ी गली चीजें पड़ जाती हैं फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद वो गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? डिकम्पोजिशन हो गया उनका। डिकम्पोज कौन करता है? फंजाई। उसके ये ड्यूट्रोमाइसिटी ज्यादातर क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल। कोई जानवर वगैरह मर के गिर गया या पत्तियां पेड़ों की गिर गई, टहनी गिर गई, तो वो वहाँ पर क्या होती है? सड़ती हैं, और सड़ने के बाद उनका क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, वो ये करते हैं, और उससे क्या होता है कि उनमें जो कार्बन नाइट्रोजन सब जो फॉस्फोरस जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ पर पत्तियाँ वगैरह पड़ी जब क्या हुई? गायब हो गई। तो एक्चुअली गायब नहीं हुई, वो क्या हुई? उनके जो मिनरल्स थे वो सब मिट्टी में मिल गए, जो कार्बन वगैरह वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन के ऊपर चली जाती, इस तरह से हम उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन हो गया, और ये मिनरल की साइक्लिंग हो जाती है, दोबारा से वो उसको प्लांट्स वगैरह यूटिलाइज कर सकते हैं सॉइल में से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ जो है इसके क्या है? सेप्रोफाइट और सम सेप्रोफाइट और सेप्रोफाइट का मतलब हुआ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड लेंगे, और पैरासाइट मतलब लिविंग से रहते हैं। अब ये रिप्रोड्यूस जो करते हैं वो एसेक्चुअली करेंगे क्योंकि ये इम्परफेक्ट फंगस है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं इसको स्पोर्स ये कहलाते हैं कोनिडिया। कोनिडिया से करते हैं, इनमें क्या होता है ये इस तरह से, ये माइसीलियम है, और इसी माइसीलियम में क्या होगा? कोनिडिया बन जाते हैं। पर इनकी कोनिडिया खास बात क्या होती है कि कोनिडिया सेप्टेट होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर इसके बाद इसके ऊपर ये एक और कोनिडिया की चेन हो जाती है, मल्टी सेलुलर।
ये जो है ये क्या है, पुलिनियर है, और यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर है। इस तरह से सेलुलर स्पोर्स जो इसमें क्या है, पुलिनियर है, और जब इस एक्चुअल स्टेज मिल जाती है तब उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। यदि वो एस्कस बना के बना रही है तो हम इसको एस्कोमाइसीज में कर देंगे, यदि डिसीडियस स्पोर्स बना रही है तो डिसीडियोमाइसीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके एग्जांपल में आ जाता है ऑल्टरनेरिया, ये क्या है, ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज प्रोड्यूस करती है, एक डिजीज होती है टिक्का डिजीज और ग्राउंड नट मूंगफली की। पैरासाइट है ये। फिर ये कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम जो है रेड रॉट करती है शुगर केन का। कभी कभी हम गन्ना खाते हैं अंदर से लाल निकलता है, वो यही है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। फिर है साइक्लोस्पोरिन, ये प्रोड्यूस करता है क्या, साइक्लोस्पोरिन ए। ये एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। जब ऑर्गन ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए कुछ केमिकल देना पड़ता है, जिससे कि वो बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, क्योंकि वो फॉरेन होता है, दूसरे के बॉडी से लाया हुआ होता है, तो वो क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। तो ये जो है प्रोड्यूस करता है ट्राइकोडर्मा, ये प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, जो कि ट्राइकोडर्मा से मिलता है। ये भी आया हुआ है, और ये सॉइल में भी ग्रो करता है, सॉइल में ग्रो करता है तब भी ये वहाँ पर पैथोजन वगैरह को अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव होता है। प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर ये भी है, तो ये पैथोजन वगैरह को प्लांट पे नहीं लगाने लगेगा, मतलब डिजीज नहीं होने देगा। तो इस तरह से ये फंजाई पूरा हो गया। इसमें चार क्लासेस थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। आशा है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।